अखिलेश यादव कैसे देता है आज ये स्थिति बन गई है कि अखिलेश यादव वर्सेस योगी दिखाई दे रहा है आप इसे किस नजर हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं भारतीय झुठ्ठा पार्टी नहीं है हम आम आदमी पार्टी कुमार विश्वास कैसे नेता लगते हैं आपको यही स्थिति मायावती के साथ हुई तो फिर क्या करे उनके हाथी के सूढ़ में कमल का फूल है आपको दिखाई नहीं दे रहा है पता नहीं राम मंदिर के जमीन घोटाले को मैंने खोला जल जीवन मिशन के घोटाले को खोला करोना घोटाले को खोला मैं आदित्यनाथ की तरह बोकार छोड़ के रोने वाला नेता नहीं हूँ तो आखिरकार उत्तर प्रदेश में कौन मारेगा मैदान अपने आप में एक बड़ा सवाल अखिलेश की साइकिल चलेगी या फिर बीजेपी एक बार फिर से अपना कमल खिलाने में कामयाब होगी लेकिन इस पूरी सियासी लड़ाई में एक दिलचस्प मुकाबला आम आदमी पार्टी, पार्टी को उम्मीद है कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी झाड़ू चलेगा लेकिन क्या वो चलेगा इसका सारा दारोमदार संजय सिंह के कंधों पर है संजय सिंह ने लगातार इस सियासी युद्ध को अब से नहीं बहुत लंबे अरसे से शुरू कर दिया था जब सपा की साइकिल स्टैंड पर खड़ी थी लेकिन संजय सिंह उस लड़ाई को लड़ रहे थे मगर क्या अब जब युद्ध चरम पर है और पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी है संजय सिंह अपनी मुहिम में कामयाब हुए आइए जरा उन्हीं से ही इस सवालों का जवाब ले लेते हैं हमारे साथ खुद उत्तर प्रदेश के प्रभारी आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज वर्ल्ड इंडिया में नमस्कार आपके दर्शकों को नमस्कार कल से हम भी कोशिश कर रहे थे कि संजय सिंह से मुलाकात हो जाए अब मुलाकात हुई मेहनत तो खूब की खूब मेहनत की लेकिन क्या संजय सिंह अपनी मेहनत रंग लाते हुए दिखाई दे रही है ईमानदारी से निश्चित रूप से निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि राजनीति एक दीर्घकालीन कार्य है आपको एक दिन में परिणाम की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए लेकिन जहाँ आज इस वक्त में हूँ यहाँ पर लंबी राजनीति का परिणाम आम आदमी पार्टी को मिल रहा है जो हमारे कैंडिडेट हैं सुबोध चंद यादव जी सुबोध चंद यादव जी के पिता स्वर्गीय भालचंद यादव जी का एक बहुत ही जबरदस्त समर्थन और उनके प्रति लोगों का लगाव उनके प्रति लोगों का प्यार और उनका जो कार्य रहा है जो उनका पूरा राजनीतिक जीवन रहा है उसके कारण से आज हर व्यक्ति खलीलाबाद का ये कह रहा है कि हम अपना वोट श्रद्धांजलि के रूप में स्वर्गीय भालचंद यादव के बेटे सुबोध यादव को देंगे यह अपनी श्रद्धांजलि के रूप में लोग कह रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूं पिछले तीन दिनों से मैं यहां पर हूं चाहे वो प्रजापति हो चौरसिया हो विश्वकर्मा हो चाहे वो कोरी समाज का व्यक्ति हो यादव समाज का व्यक्ति हो यहां तक कि व्यापारी समाज जो परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी का वोटर माना जाता है वहां वो लोग भी ये कह रहे हैं कि इस बार हम लोग सुबोध यादव को वोट देंगे और आ, मैं कल मुस्लिम इलाकों में गया था यहाँ जो सेमरियावा और आसपास के जो इलाके हैं उन लोगों ने बताया कि एक धर्मनिरपेक्ष किस्म के व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति जो ईद बकरीद होली दिवाली सबको साथ लेकर चलते थे सबको साथ मिलकर त्योहारों का त्योहारों को मनाने का काम करते थे ऐसे स्वर्गीय भालचंद यादव जी ने सौ करोड़ की सड़कें उनके क्षेत्र में बनवाई तमाम फ्लाईओवर्स यहाँ पर बनवाए तमाम ट्रेनें यहां जो रुकती है वो उनकी वजह से रुकती है एक बार का वाकया लोगों ने बताया कि पटरी पर लेट गए थे ट्रेन को रुकवाने के लिए आ, आ, लोगों ने यहां तक बताया कि अपने जेब का पैसा कभी गिनते नहीं थे यहां तक बताया कि उनके गनर की मृत्यु हो गई द, सड़क दुर्घटना में तो अपने बड़े बेटे की शादी उसकी बेटी से कर दी ऐसा व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन इस क्षेत्र के लिए लगा दिया है उसको बहुत बड़ा जनसमर्थन सभी जाति सभी धर्म सभी समुदाय का खलीलाबाद में मिल रहा है उत्तर प्रदेश तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ये जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है ये पूरा खलीलाबाद गोरखपुर का इलाका यहां पर आ, बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं आपसे जानना चाह रहा था शुरुआत से आपने मेहनत की ईमानदारी से आप जवाब नहीं दे रहे कि कितनी उम्मीद है झाड़ू चलेगा नहीं चलेगा मैंने पहले दिन से एक ही बात कही हमने ये कहा साफ तौर पे कि देखिए आम आदमी पार्टी मुद्दों की बात कर रही है अब ये जनता के ऊपर है वो मुद्दों पर कितना हमारा समर्थन करती है उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति धर्म में फंसी है इससे कोई इनकार नहीं कर सकता लेकिन जहां जाति धर्म के बंधन टूटे हैं जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया खलीलाबाद का यहाँ पर जाति धर्म का बंधन टूट गया तो हाथ में झाड़ू लेके लोग निकल पड़े कह रहे भाई हम राजनीति की गंदगी को साफ करेंगे कह रहे हम उस सेवा के समर्थन में अपना वोट देंगे जो इनके पिता ने लंबे समय तक इस क्षेत्र के लिए किया इसको जिला बनाया तो जहां पर लोग इससे ऊपर हट के आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ वहां में जन मिल रहा है सोचें कि एक दिन में पूरे उत्तर प्रदेश में कोई परिवर्तन हो जाएगा ऐसा मैं कोई बड़ा दावा नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि हमारी बात लोगों तक पहुंच रही लोग हमसे पूछते हैं आम आदमी पार्टी कहां है जैसे आपका सवाल है तो मैं कहता हूं समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में है मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है संजय सिंह की तो यह लड़ाई नहीं थी एक सेकंड कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है बीएसपी के मैनिफेस्टो में आज फ्री बिजली की बात उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर हो रही है तो किसकी देन है आम आदमी पार्टी की देन है आज उत्तर प्रदेश में अगर विकास के मुद्दों की थोड़ी बहुत ही चर्चा सही हो रही है तो उसमें हमारी सबसे बड़ी है। लेकिन ये लड़ाई आपने कहा कि ये जाति के आधार पर राजनीति हो रही है लेकिन कहा यह जाता है कि जाति के आधार पर राजनीति तो संजय सिंह ने भी की ठाकुरवाद ब्राह्मणवाद संजय सिंह ने जिस राजनीति को बदलने की बात की उसी राजनीति में धस गए दल दल में अच्छा क्या राजनीति का मैंने काम किया हिंदुस्तान का कोई एक ठाकुर नेता मुझे मिलवा दीजिए मैं उससे मिलना चाहता हूं जो अपनी जाति के खिलाफ बोलता हो मिलवाइए ना मुझे मैं मेरे सामने संजय सिंह है हाँ मैं मैं जवाब दे रहा हूं ना आपको मैं क्षत्रिय होते हुए ठाकुर होते हुए मैंने ये कहा कि आदित्यनाथ जी को ठाकुरवाद नहीं करना चाहिए क्षत्रियवाद नहीं करना चाहिए है किसी राजनीतिक नेता में इतनी सास मैंने हमेशा पिछड़ों की वकालत की दलितों की वकालत की अल्पसंख्यकों की वकालत की क्यों क्योंकि समाज के दबे कुचले लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा नीचे पहुंचाने का काम किया उनकी विचारधारा देखिए ना 90 साल हो गया आरएसएस और बीजेपी के निकले हुए 90 साल ये विचारधारा काम कर रही है हिंदुस्तान में एक भी संघ का प्रमुख दलित और पिछड़ा नहीं हुआ आज तक तो मैं इस बात की मुखालफत करता हूं इसके खिलाफ खड़ा होता हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि जातिवाद ठीक नहीं है आपको अगर उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है तो इस, इसलिए थोड़ी बनाया कि आप सिर्फ छत्रियों का काम करेंगे सिर्फ ठाकुरों का काम करेंगे इसलिए नहीं बनाया अच्छा, और, और ये कहां से जातिवाद हो गया जरा मुझे बताइए आप ये कोई जातिवाद है मैंने तो यह कहा कि भाई जातिवाद मत करो जातिवाद का हमने विरोध किया ये जो कई बार हम हमसे लोग पूछते हैं मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ मतलब मैंने ये कहा कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है मैं संजीत यादव का अपराहण हुआ हत्या हुई कानपुर में वहाँ गया जयप्रकाश पाल की हत्या हुई बलिया में उस मामले को मैंने उठाया इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी की हत्या हुई खुशी दुबे जेल में सड़ रही है निर्वेंद्र मिश्रा तीन बार के लोकप्रिय विधायक की हत्या हुई ये सब मामले मैंने उठाए राम मंदिर के जमीन घोटाले को मैंने खोला जल जीवन मिशन के घोटाले को खोला करोना घोटाले को खोला इसमें जातिवाद कहां आ गया मैं इसलिए कह रहा हूं एक के बाद एक मुहिम आपने एक, आपने एक के बाद एक मुहिम छेड़ी और एक के बाद एक एफआईआर आप पे दर्ज हुई सवाल ये खड़े होने लग गए कि उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसा तो नहीं है की रिकॉर्ड बना देंगे संजय सिंह के खिलाफ एफ दर्ज हो रही है लेकिन ये ये रफ्तार एकाए कम कैसे हो मैं आदित्यनाथ की तरह बोकार छोड़ के रोने वाला नेता नहीं हूँ तीन मुकदमा हुआ था पार्लियामेंट के अंदर रो रहे थे प्रधान हमारे मुख्यमंत्री जी तीन मुकदमा होने पे और मेरे ऊपर 21 मुकदमा किए और कह रहे थे संजय सिंह फरार है मैं विधानसभा के अंदर घुस गया था दर्शक दीर्घा में गया जब पत्रकारों को पता चला तो मैंने कहा भाई आदित्यनाथ जी मुझे खोद रहे हैं मैं विधानसभा के अंदर आया हूं मुझे गिरफ्तार करो जब आप राजनीति में हैं तो मुकदमा जेल लाठी इससे अगर आप डरेंगे तो कुर्ता पाजामा उतार देना चाहिए फिर राजनीति नहीं करनी चाहिए हमने ये सीखा है तो इसलिए जब हम लोग राजनीति में है तो साहस के साथ लगाओ एफ आई आर मुकदमे जितना करना है करो जेल में डालना है, डालो लाठियां चलाओ हम लड़ते रहेंगे तुमसे मैंने कभी जातिवाद नहीं किया अच्छा ये, आप ये, ये मैं हमेशा से मानता हूं अगर आपको जनता ने मौका दे दिया एक क्षेत्र के आप विधायक हो गए एक क्षेत्र के आप सांसद हो गए मंत्री हो गए मुख्यमंत्री आप सबके अभिभावक हैं आप सबको देखिए हो सकता है आपके जाति के लोगों ने आपका ज्यादा समर्थन किया हो मुझे इसमें आपत्ति नहीं है हो सकता है आपके जाति के लोगों ने आपको ज्यादा वोट दिया हो लेकिन जब आप बन गए उस पद पे आ गए तो आप फिर सबके मुख्यमंत्री हैं 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी इस बात का मैंने एहसास कराने का काम किया और एक बात और याद रखिएगा ये जो पदों पर बैठ के जातिवाद चलाते हैं लोग इसका नुकसान होता है फायदा नहीं होता आज आप सोचिए दूसरी जातियों के मन में अनावश्यक घृणा के पात्र आप एक जाति को बना रहे हैं क्यों बना रहे हैं भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं आप सबके लिए काम कीजिए ना मैं जिस क्षेत्र में हूं जिस जिस अपने प्रत्याशी सुबोध यादव के लिए प्रचार करने आया हूं उनके पिता के लिए मैं आपसे कह रहा हूं आप जाके पूछ लीजिए किसी इलाके में कोरी मिलेगा वो कहेगा मेरी मदद की प्रजापति मिलेगा वो कहेगा मदद की व्यापारी मिलेगा वो कहेगा मदद की मुसलमान मिलेगा वो कहेगा हिंदू मिलेगा वो कहेगा यादव मिले तो राजनीति तो ये होती है जब जिस वक्त आप इस लड़ाई का आगाज कर रहे थे तब तो ये पूरी लड़ाई उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही थी कि योगी आदित्यनाथ वर्सेस संजय सिंह आज ये स्थिति बन गई है कि अखिलेश यादव वर्सिज योगी दिखाई दे रहा है आप इसे किस नजरिए नहीं ये देखिए ये तय करना है जनता को हमने आदित्यनाथ के खिलाफ जब कोई बोलने का साहस नहीं कर रहा था लोग घरों में बैठे हुए थे उस वक्त आवाज उठाई लोग क्या कहते थे बाबा के खिलाफ बोलना गुना और अपराध है ये बोलते थे यहाँ पे धारा 144 लगी हुई थी आवाज नहीं निकलती थी लोगों के मुंह से लेकिन आज तो लड़ाई आज आज तो अखिलेश वर्सेस योगी लड़ाई दिखाई अब आपको दिखाई दे रही होगी मैं आज भी बोल रहा हूँ बाबा जी के खिलाफ लगातार बोल रहा हूँ अच्छा अखिलेश यादव कौन बोला जिन्ना के सवाल पे कौन बोला पाकिस्तान के हिंदु, हिंदुस्तान के सवाल पे कौन बोला हिंदू मुसलमान के सवाल पे कौन बोला उठा के देख लीजिए अब आप लोग महत्व तो कम देते हैं वो आपकी जिम्मेदारी नहीं नहीं, नहीं। महत्व कम महत्व महत्व कम देते तो दो दिन से आप दो दिन से आपको न तलाश रहे होते मैं महत कह रहा हूँ ना कि हमारी अपनी एक भूमिका है मैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा हूँ और पूरी ईमानदारी से लड़ रहा हूँ और आप देखिए पूरे समय पूरे चुनाव के प्रचार में जहां जहां भी इन्होंने नफरत फैलाने की कोशिश की हम उसके खिलाफ बोले अमित शाह के खिलाफ बोले मोदी जी और अमित शाह से देश की संसद में लड़ते हैं उत्तर प्रदेश में दो साल से बाबा आदित्यनाथ जी से लड़ रहे हैं तो हम इनसे पीछे कहा है बताइए ना संजय जी इतना आक्रमक आगे भागे हो बताइए इतना आ, आप आक्रमक रहते हैं एक थोड़ा सा हल्का सा सवाल पूछ लेता हूँ ये अखिलेश यादव कैसे देता है नहीं वो अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं वो अपनी लेकिन यहां पर क्या किया उन्होंने जिस सीट में मैं इस समय बैठा हूं। यहां जनता पार्टी के दो प्रत्याशी लड़ रहे हैं एक बीजेपी वाला लड़ रहा है दूसरा समाजवादी पार्टी वाला दोनों बीजेपी के हैं पांच साल जो व्यक्ति यहां से बीजेपी का विधायक रहा जिसने लोगों के मदरसे तोड़वाए मस्जिद तोड़वाने का काम किया कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा किया यहां नफरत का बीज बोया लोगों में झगड़े करवाए यादवों के बच्चों को बिटवाया ये जो मौ, जो मौजूदा समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है जो आपका कोर वोटर है उसको जो आदमी पांच साल तक प्रताड़ित करता रहा उसी को आपने बिठा दिया नहीं आपने बताया नहीं अखिलेश यादव कैसे नेता लगते हैं आप मैं बता रहा हूं वो अपना प्रचार कर रहे हैं अपनी पार्टी का हम अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं लेकिन संजय सिंह ने कोशिश की या दूसरी तरफ से भी कोशिश हुई कि एक मंच पर आ जाए सपा और साइकिल के साथ मिल जाए झाड़ू चल जाए तो ये बंद कमरों में जो मुलाकात हुई थी बात क्यों नहीं बनी आपकी देखिए मैंने आज भी कहा है और आपके चैनल पे कह रहा हूँ इसको रिकॉर्ड करके रखिएगा जिस दिन अखिलेश यादव जी को सरकार बनाने में संख्या की कमी हुई पहला हाथ सुबोध यादव का उठेगा उनके पक्ष में और स्पष्ट बोलू कुछ नहीं संजय सिंह की गारंटी चाहिए हाँ मेरी गारंटी है संजय सिंह गारंटी है अरविंद केजरीवाल की गारंटी है उन्होंने साफ तौर पे कहा है इस बात को तो गारंटी तो में भी शामिल कर लेते ना आप जो गारंटी सब जगह दे रहे हैं कि हम इतना मुफ्त देंगे इतना ये भी कि भैया ठीक है हम हम अखिलेश यादव के साथ खड़े हम सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़े हैं हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ खड़े और उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक सरकार अगर बन रही होगी हमारी संख्या की जरूरत है सुबोध यादव का पहला हाथ उनके पक्ष में उठा आप भी बोल रहे हैं अब बताइए इससे स्पष्ट क्या कैसा? नहीं क्या? तो आपकी बात क्यों नहीं बन पाई थी आपसे तो अकेले कमरों में कई घंटों मुलाकात नहीं, हुई में सब नहीं सीखा नहीं तभी मैं, नहीं, नहीं, कभी सीखा ही नहीं, नहीं खोलकर बताइए नहीं नहीं नहीं। आप एक बार पूछेंगे तभी नहीं बताऊंगा बात मुलाकात तो हुई नहीं एक हर बातचीत की अपनी एक गरिमा होती है हर बातचीत की अपनी एक गरिमा होती है बात बन जाती निश्चित आपको बताते बात नहीं बनी क्यों नहीं बनी उसकी चर्चा आपसे करने की क्या जरूरत है क्यों करेंगे उसकी कोई उन बातों पर चर्चा कुल यह संजय सिंह ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को अगर जरूरत पड़ेगी तो अखिलेश यादव के लिए पहला हाथ संजय सिंह का हो अरे केजरीवाल जी कहके गए हम लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकना है भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को रोकना है भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी को रोकना है यही स्थिति मायावती के साथ हुई तो फिर क्या करें मायावती जी कहीं चुनावी नहीं हो तो उनके हाथी के सूढ़ में कमल का फूल है आपको दिखाई नहीं दे रहा है पता नहीं क्यों वो कह चुकी हैं अपने भाई आदित्यनाथ जी से कि भैया चिंता मत करना जैसे ही तुम्हारी सरकार बनाने में नंबर की कमी होगी तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ खड़ी तो उनकी बात मत आप यानी वो दिल्ली यहां पर दिल्ली देखिये यहाँ पे आप कमल को वोट दीजिए या हाथी को वोट दीजिए बात एक बात बातें है। बात एक ही है। मैं एक बात और जानना चाह रहा था बात मत कीजिए। बीजेपी नारा दे रही है 300 पार का सपा कह रही है 300 पार तो संजय सिंह कितने हम जीत रहे हैं। अच्छा एक बात और हमने तमाम राज्यों में जाके न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ने कवर किया और हर राज्य में हमने देखा की आपने सी एम कैंडिडेट उतार के चुनावी रण में अपनी भूमिका को अदा किया लेकिन संजय सिंह ने इतनी मेहनत की दिन रात एक कर, कर दिया हमारा कोई आधार भी नहीं है नहीं मैंने तो कब <laughs> सीएम का मैंने आधार का तो जिक्र ही नहीं किया <laughs> मैं मैं मैंने आधार का जिक्र नहीं किया मैं ये कह रहा हूँ संजय सिंह ने दिन रात एक कर दिया तो संजय सिंह को राजनीति भी आती है ना थोड़ा इंतजार कीजिए आप कहा नहीं बनना चाहिए अच्छा तो मतलब क्या डिप्टी सीएम की और इशारा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ की मैं अपनी नीतियों अपने कार्यक्रमों अपने योजनाओं अपने मुद्दों को लोगों तक पहुँचाने में कामयाब रहा हूँ उत्तर प्रदेश में जो साहस कोई राजनीतिक पार्टी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ नहीं कर रही थी वो साहस दो साल मुकदमे लिखवा के राष्ट्रद्रोह लिखवा के मैंने किया है और अब जनता के ऊपर फैसला है वो हमें कितना समर्थन देंगे मैं कुछ चुनिंदा सीटों के बारे में ये जरूर आपसे कह सकता हूं जहां पे हमें बहुत लेफ्ट राइट सेंटर जाति धर्म के बंधन तोड़ के वोट मिल रहे हैं और उसमें से नंबर एक पर खलीलाबाद की सीट है बगल में रुधौली है आप वहाँ चले जाइए वहां जाति धर्म के बंधन टूट रहे हैं लोग वोट दे रहे हैं कैंडिडेट क्यों नहीं बनाया आपको केजरीवाल जी ने मैं अभी अपने आप को इस काबिल नहीं समझता आप समझ रहे होंगे मुझे नहीं लगता केजरीवाल जी तो समझते हैं केजरीवाल जी समझते हैं तो आ, मैंने हो सकता है अपने आप को ना समझाओ अच्छा एक बात और एक, एक बात और आ, कुमार विश्वास कैसे नेता लगते है आपको देखिये फिर अभी आप उन्ही बातों पर लेके आए मेरा हमेशा से एक सिद्धांत रहा है जिसके साथ काम कर लिया उनके बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए वो करते हैं ये गलत बात है जिनके साथ एक थाली में बैठ के रोटी खा ली आपके संबंध बने ना बने आप साथ रहें ना रहे उनके बारे में ओछी टिप्पणी करना ये बहुत ही गलत बात है और ऐसा नहीं करना चाहिए आपको डैमेज नहीं कर आपको डैमेज नहीं कर रहे, नहीं कर रहे वो नहीं डैमेज वो कर ही नहीं सकते वो डैमेज कर ही नहीं सकते आप मुझे एक चीज बताइए उन्होंने क्या आरोप लगाया इस आरोप को सुनकर आपको हंसी नहीं आई वो कह रहे हैं खालिस्तान के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे अरविंद केजरीवाल जब उसका नाम ही खालिस्तान है तो वहां पे बंसल जाति के केजरीवाल के वो जाके उसके प्रधानमंत्री बन जाएंगे वैसे समाज का व्यक्ति खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा और ये सारे चैनल चला रहे हैं पूरे देश में और हमसे सफाई मांग रहे हैं इस पर हंसना चाहिए था आप लोगों को इस पर इसको मजाक की तरह से लेना चाहिए था जिसका नाम ही खालिस्तान है वहां का प्रधानमंत्री बन रहा है बंसल बिरादरी के केजरीवाल तो ये इस तरह के आरोप निराधार बेबुनियाद बातें इनका कोई मतलब है कहते हैं पुराना दोस्त जब दुश्मन बन जाता है जिसके साथ आपने एक थाली में रोटी खाई हो उसके परिवार के बारे में टिप्पणी करना उसके बारे में टिप्पणी करना ये ओची राजनीति होती है इसको नहीं करना चाहिए मैं यही कह रहा हूँ अच्छा जो आप जिक्र कर रहे हैं अखिलेश यादव का कि अगर जरूरत पड़ेगी तो संजय सिंह और केजरीवाल जी खड़े हुए हैं कई ऐसा तो नहीं है कि संजय सिंह के ऊपर एक के बाद एक तमाम मुकदमे दर्ज हुए वो मुकदमे वापस लेने की डील हुई हो ये कह रहा आपसे एक भी मुकदमा हमारा वापस ना लिया जाए और अखिलेश यादव की सरकार की नीतियां अगर कुछ खिलाफ होंगी उसके खिलाफ बोलूंगा तो दो चार दस मुकदमे वो भी लिख सकते हैं मुझे उनसे वो भी अपेक्षा नहीं है बीजेपी को रोकना ये प्राथमिकता है अच्छा। पार्टी भारतीय जनता, जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोकना है उसका सबसे बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश का अमन चैन इस पार्टी ने बिगाड़ दिया उत्तर प्रदेश की एकता को इस पार्टी ने बिगाड़ दिया पिछड़ों दलितों का जबरदस्त उत्पीड़न इस सरकार में हुआ अल्पसंख्यकों का जबरदस्त उत्पीड़न इस सरकार में हुआ तो इसलिए इस सरकार को रोकना है जिसने जमकर इन्होंने कुछ छोड़ा है कुंभ के मेले में भ्रष्टाचार राम मंदिर की जमीन में भ्रष्टाचार जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार कोरोना में भ्रष्टाचार कस्तूरबा के विद्यालयों में बच्चियों के नाम पे भ्रष्टाचार स्कूल में खाना खिलाने के नाम पे भ्रष्टाचार स्वेटर के नाम पे भ्रष्टाचार जूते के नाम पे भ्रष्टाचार यहां तक कि शमशान में लकड़ियां खरीदने के नाम पर दलाली की इन लोगों ने और बनते बहुत बड़े पवित्रतम और दुनिया की और देश की सबसे बड़ी पार्टी है एक राजनीति परिवर्तन करने का जिक्र आपने किया लड़ रहे रहे चार पुराना कैसेट बजा रहे हैं। वही उपलब्धि है एक चीज में वो मास्टर है पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी अगर आपको झगड़ा कराना हो आप भाजपा को लेकर चले जाइए झगड़ा कराने के स्पेशलिस्ट हैं ये चाहे आप हमारे प्रधानमंत्री को लगा दीजिए वो झगड़ा करा देंगे उनसे कोई कमी रह जाएगी अमित शाह झगड़ा करा देगा अगर उनसे भी कोई कमी रह जाएगी तो आदित्यनाथ झगड़ा करा देगा क्या करते हैं ये लोग बंगाल में हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराते हैं बिहार में हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराते हैं यूपी में हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराते हैं हरियाणा जाते हैं जाट और गैर जाट का झगड़ा करा देते हैं पंजाब में जाते हैं हिंदू सिख का झगड़ा करा देते हैं गोवा में जाते हैं हिंदू ईसाई का झगड़ा करा देते हैं महाराष्ट्र में जाते हैं मराठा गैर मराठा का झगड़ा कराते हैं। ये भारतीय झगड़ा पार्टी है अपने घर में मत बुला लीजिए मोहल्ले में मत बुला लीजिए पति पत्नी में झगड़ा करा देंगे लोग एक सवाल आप आप राजनीति परिवर्तन करने आए हैं राजनीति में आपने बहुत हद तक परिवर्तन भी किया कुछ मुद्दों को लेकर एक सवाल न्यूज वर्ल्ड इंडिया की मुहिम है हम रोजगार के एजेंडे चलाते हैं जिन एजेंडों का आपने जिक्र किया हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हमारा इनसे दूर दूर तक वास्ता नहीं हम एक मुहिम चलाते हैं रोजगार दवाई पढ़ाई और कमाई इस एजेंडे पर संजय सिंह क्या गारंटी दे सकते हैं आपने जैसे कहा कि अखिलेश यादव को जरूरत पड़ेगी तो हम प्राथमिकता में संजय सिंह की प्राथमिकता में उस लिस्ट में रोजगार का एजेंडा होगा कि नहीं प्रण लेकर बोलिए प्रण लेकर ही बोल रहा हूं हमारी गारंटी को जो है समर्थन की शर्तों में शामिल होगा रोजगार प्राथमिकता रोजगार प्राथमिकता पे और दस लाख सरकारी नौकरियां देने की बात तो हमने कही है अपने रिसर्च और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक और समाजवादी पार्टी का भी मैनिफेस्टो में देख रहा था उन्होंने बीस लाख नौकरियां देने की बात कही है हमने यहां तक कहा है कि हम जब तक नौकरी नहीं दे पाएंगे पांच बेरोजगारी भत्ता प्रतिमाह देंगे लोग हमसे कहते हैं आपको पता नहीं यूपी कितना बड़ा प्रदेश है हमने कहा भाई पता है लेकिन हम लोग गैर पढ़े लिखे लोगों की तरह बात नहीं करते रिसर्च करते हैं तब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में 34 लाख ,00 बेरोजगार दर्ज हैं अगर आप उनको पांच हजार रुपए प्रतिमाह देते हैं तो 1700 करोड़ रुपए एक महीने का और अगर साल भर का खर्चा निकालेंगे तो बीस हजार चार करोड़ रुपए पांच लाख अस्सी हजार करोड़ के बजट से बीस हजार चार करोड़ रुपए निकालना बहुत आसान काम है बेरोजगारी भत्ते की बात ही नहीं कर रहा मैं मैं रोजगार की बेरोजगारी भत्ता जब तक हम रोजगार आप तो आपने तो सिर्फ रोजगार की बात कही हम ये कह रहे हैं जब तक हम रोजगार नहीं दे पाएंगे तब तक हम बेरोजगारी भत्ता देंगे क्योंकि नौजवान अगर उसके जेब में पैसा नहीं होगा वो क्राइम करेगा अपराध की दुनिया में जाएगा वो लूटपाट करेगा ये समर्थन का पहला प्रण है आप पहला प्रण है एक बार फिर से दोहरा दीजिए मेरा प्रण प्राण है भाई और कैसे दोहरा दू आप इन सब में पड़ते हैं हम तो खुद बोलते कि जिस दिन देश के बोलते हैं महीने सिर्फ रोजगार पर डिबेट कर लेगा सारे सरकारी पद भर जायेंगे हम उस मुहिम पे काम कर अच्छी बात है बधाई हो आपको इस बात के लिए और इसका प्रभाव पड़े मैं ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ एक बात मैं आपको और बता दू देखिये आज बात तो करते हैं ये लोग मुसलमान से लड़ने की लेकिन नुकसान पूरे देश का करते हैं ये क्या कहते हैं नौजवानों हम बेरोजगारी बढ़ाएंगे मत बोलना हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं महंगाई बढ़ाएंगे चिल्लाना मत मुसलमानों से लड़ रहे हैं इनके कुछ भक्तों के मैं वीडियो देखता हूं कहते है, हैं ढाई रुपए में भी तेल मिलेगा तब भी हम लेंगे लेकिन जो है मुसलमानों का जो है ठीक अरे भाई मुसलमान ठीक करते करते तुम ठीक हो गए यार नहीं आजकल तुम पता है साढ़े छे लाख करोड़ रुपए की संपत्ति हिंदुस्तान की बिकने जा रही है कितने की साढ़े छह लाख करोड़ और ये जो ओबीसी के लोग दलित समाज के लोग जो लड़ाई लड़ते हैं ना आरक्षण की आरक्षण तो मोदी जी ने खत्म कर दिया रेल बेच रहे हैं सेल बेच रहे हैं कोल बेच रहे हैं बीपीसीएल बेच रहे हैं सड़क बेच रहे हैं बिजली बेच रहे हैं पानी बेच रहे हैं एल बेच रहे हैं बैंक बेच रहे हैं एफ के गोदाम बेच रहे हैं कुछ छोड़ा इन्होंने और आप देखिए ये सरकार हमारी कितनी महान सरकार है यह सरकार सीना ठोक के कहती है हम बजट में नीति लेके आए हैं क्या साढ़े छह लाख करोड़ की संपत्ति हिंदुस्तान की बेचेंगे तो मैंने तो पार्लियामेंट में कहा मैंने कहा जो अपने बाप दादा की संपत्ति को बढ़ाता है वो सपूत कहलाता है जो बाप दादा की संपत्ति को बेचता है वो कपूत कहलाता है तो एक कपूत सरकार इस देश के अंदर चल रही है अच्छा मैं आखिरी सवाल क्योंकि आप चुनाव प्रचार में भी व्यस्त है जिस आंदोलन से आंदोलन की कोख से पार्टी का जन्म हुआ लोकायुक्त संजय सिंह क्यों भूल गए संजय सिंह कहां भूल गए यह सवाल जो बीजेपी से करना चाहिए वो आप हमसे करते हैं आपको मालूम है हमारी सरकार ने वैसा ही लोकपाल कानून पास करके भेज दिया पिछले सात साल से बैठे हुए उस पर तो आप लड़ाई क्यों नहीं लड़ो कैसे लड़े आप बताइए क्या करें उत्तर प्रदेश पार्लियामेंट में तीन हमारे मेंबर हैं और मुझे अपने आप को परचे दिलाने की तो जरूरत है नहीं कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहा होगा जिसपे मैंने इनका विरोध नहीं किया आप लोग आलोचना भी करते हैं कि माइक तोड़ दिया संजय सिंह ने टेबल पे खड़े हो गए संजय सिंह कोई शौक लगता है मुझे लेकिन जब तुम किसानों के हड्डियां तोड़ोगे तो क्या करूंगा मैं इतने आक्रामक की वजह आक्रामक मैं मैं इन इनकी व्यवस्था को देख के होता हूँ मुझे तकलीफ होती है अंदर से पता नहीं लोगों को तकलीफ क्यों नहीं होती मुझे होती है मुझे होती है जब आप यूपी में, में तो, तो, यू, तो चलिए दिल्ली में दिल्ली में, में तो आप कहते हैं पाकिस्तानी कहते हैं जिनका दिया हुआ खाते हो उनको तुम पाकिस्तानी कहते हो उनको देशद्रोही कहते हो तुम एक साल तक हमारा किसान सड़क पर बैठा रहा उनको लाठियों से पिटवाया आंसू गैस के गोले छोड़े हमारे पिता भी किसानी करते हैं आप मवाली कर रहे हो किसानों को तो ये जो ये जो इस तरह का जो इनका आचरण है उसको देख के मन में तकलीफ होती है मैं कोई ऐसे हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं इन लोगों से इनकी नीतियों से लड़ाई है इनकी सोच से लड़ाई है में तो हाथ नहीं बंधे होंगे ना आप पे किस चीज के लिए लोकायुक्त को ले अब आएंगे तो आएंगे तो निश्चित रूप से बात करेंगे जो सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में सहयोग देंगे उस एजेंडे में लोग बात करेंगे उत्तराखंड में बात करेंगे बिल्कुल बात करेंगे लोकपाल तो हमारे शुरुआत के एजेंडे में चलिए आपने न्यूज वन इंडिया के लिए वक्त निकाला बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं संजय जी आपको तो तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह जिन्होंने बेबाक अंदाज से अपनी बात को रखा और इनका कहना ये है कि आम आदमी पार्टी अपने एजेंडे पर काम कर रही है हिंदू मुसलमान नहीं सिर्फ रोजगार है एजेंडा लेकिन अखिलेश यादव को पड़ेगी जरूरत तो खड़े हैं वो उनके साथ फिलहाल मुझे दीजिए नमस्कार जय हिंद जय भारत